हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो उसके नीचे का लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलें, और भी रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी रेसिपी आपको अच्छी लगती हैं वो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की ओर। तो आज हम बनाएंगे वेज पुलाव। तो ये वाइट वेज पुलाव है जिसे वेजिटेबल यूज़ करेंगे। ये बहुत टेस्टी लगता है, और आप रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी ये पुलाव देखा होगा आपने। तो उसे बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स लगेंगे: बासमती चावल 2 कप, 2 बड़े चम्मच तेल, 1/2 कप मटर, 1/2 गाजर जिसे हमने डाइसेस में काट लिया है, और यह है बीन्स। तो 3 से 4 बीन्स ली हैं जिसे बारीक काट लिया है हमने। थोड़े छोटे टुकड़ों में काट लेना है इसे। 3 से 4 हरी मिर्च, और हमने धनिया पत्ता लिया है। धनिया पत्ते को काटा नहीं है, ओनली उसकी पत्तियां तोड़ी हैं जिससे हम गार्निश करेंगे पुलाव को। और 3 से 4 लौंग और इलायची, 1/4 चम्मच शाहजीरा, नमक 1/2 चम्मच, और लिए हैं 10 से 12 काजू के टुकड़े। यहाँ लिया है मैंने 1 स्टार फूल, 1 दालचीनी का टुकड़ा, और 1/2 चम्मच से कम काली मिर्च, और 1 तेज़पत्ता। तो सबसे पहले हम पैन गरम करेंगे और उसमें डाल देंगे तेल। और जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाता है इसमें हम काजू को डाल देंगे, और काजू को थोड़ा हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक के फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही हमारा काजू थोड़ा सा हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाता है इसमें हम खड़े मसाले डाल देंगे। इसमें डाल दिया 3 तेज़पत्ता, 1 स्टार फूल, काली मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा, और ये थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और अब इसमें डाल देंगे हम इलायची लौंग और शाहजीरा, और इसे 1/2 मिनट तक भून लेंगे। और जैसे ही भून के हो जाता है इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, अब हरी मिर्च भी अच्छे से भून चुकी है तो हम इसमें सब्जियां डाल देते हैं। तो सबसे पहले हम डाल देंगे बीन्स, मटर, गाजर। अगर आप इसमें फूलगोभी भी डालना चाहती हैं तो उसके थोड़े छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे, और डंठल थोड़ी छोटी रखनी होगी। और आलू भी अगर डालना चाहते हैं तो 1 आलू डाल सकते हैं। मीनवाइल हमने, जब तक कि सब्जियां हमारी थोड़ी पक जाती हैं, हम चावल को धो लेंगे और छान लेंगे ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए इसमें। तो सब्जियां हमारी भुन चुकी हैं, अब इसमें हमने जो चावल धो के रखे थे उसे डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब हम चावल ये मिक्स करते हैं तो फ्लेम को हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, और अब इसमें डाल देंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार लीजिए, अगर कम खाते हैं तो कम लीजिए। हमने इसमें 1/2 चम्मच नमक यूज़ किया है। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद में इसे 1 मिनट तक के हम लो फ्लेम पर ही अच्छे से भूनने देंगे। उससे ये होता है कि हमारे चावल अच्छे से खिले से बनते हैं। अगर हम तुरंत पानी डाल देंगे तो चावल खिले से नहीं बनेंगे। तो 1 मिनट हो चुका है, एक बार वापस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें डाल देंगे हम पानी। तो मैंने स्टील के ग्लास से 1 गिलास पानी लिया है, और छोटे कप से अगर हम गिनते हैं तो इसमें 2 कप पानी डाल दिया है मैंने। यह आपके क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि आप किस क्वांटिटी में चावल ले रहे हैं। जितने चावल लेंगे उसके हिसाब से पानी लेना है हमें। तो हमने इसे पानी डाल दिया है, और अब इसमें लगा देंगे हम इसका ढक्कन, और 2 सीटी आने तक के वेट करेंगे। ये पहली सीटी आई है,
और ये दूसरी सीटी तो हम लोग फ्लेम ऑफ कर देंगे और कुकर के नीचे रख देंगे ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। तो कुकर में अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो आप देख सकते हैं हमारा पुलाव बहुत अच्छा खिला हुआ बना हुआ है। तो हमने इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है और धनिया पत्ती से गार्निश किया है। तो आपको ये रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और भी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।